अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नीडी पीपल के लिए सांबार इडली बना रहे हैं। जी हाँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन है और बेस्ट रेसिपी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं। इसी पानी में हम लोग जो पहले ही भिगो के रखे थे तूर दाल, वो इसमें ऐड करेंगे। चालीस मिनट तक इस दाल को हम लोग बॉईल होने देंगे। तब तक हम लोग जो सांबर का मेन प्रोसेस है वो देखेंगे। सांबर का मेन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसी बॉल में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स और फेनिग्री सीड्स ऐड करेंगे। इन्हीं सीड्स के साथ साथ इसी में हम लोग थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग करी लीव्स भी ऐड करेंगे। करी लीव्स के साथ साथ ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियंस स्लाइटली कलर चेंज होते ही इसी में हम लोग ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। उसके साथ साथ कैरेट, बीन्स, पोटैटोस, टमाटोस और ड्रमस्टिक्स ऐड कर देंगे। सारे वेजिटेबल्स ऑयल में 10 मिनट तक अच्छी तरह पके बाद इसी में हम लोग सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग सांबार मसाला भी ऐड करेंगे। तूर दाल परफेक्टली बॉईल हो गया है। इसी को हम लोग पहले स्टोव से अलग करेंगे और ठंडा करके इसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल्स बॉईल हो रहे हैं उसी में दाल ऐड करेंगे।
सांबार रेसिपी कंप्लीट होने के लिए जो हम लोग ब्लेंड करे थे उसी तूर दाल को इसमें ऐड करेंगे। सांबार का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको और भी मज़ेदार करने के लिए इसमें हम लोग टैमरिंड जूस ऐड करेंगे। फाइनली सांबार को बगार डालेंगे, उसके लिए पहले हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। इसके साथ साथ जो दाल तड़का के लिए जो सीड्स यूज़ करते वो इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स के साथ साथ ड्राई रेड चिल्ली भी ऐड करेंगे।
आज के वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए, उसकी वजह से और भी थोड़े नीडी पीपल को फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।